अगर सो गाइस ये जोया पे जल्दी से गरम गरम हम लोग के लिए आलू की सब्जी और पूरी दिखाओ और फूली फूली पूरी बना के लाई है, अब हम लोग खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अलवी सिस्टर। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं, घर बज रहा है 7 बज रहा है और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। हालांकि मेरा बिल्कुल भी इस बार दिल नहीं था कि मैं जाऊं अपने ससुराल, जो कि हकीकत बात है, क्योंकि शाहनवाज को भी अभी टाइम लगेगा, मतलब वो कल आने वाले हैं, और बट मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि घर बहुत अकेला है, काम भी ऊपर चल रहा है, तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। और हम लोग को अमन अप्पी को छोड़ने का मन नहीं था तो हम लोग भी जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाऊँगी तो अकेलापन लगेगा, तो मैंने इन लोग को फोर्स किया, तो ये दोनों भूत भी आ गए हैं साथ में। तो दोनों भूत मम्मी भेज नहीं रही थी बट बड़ी मुश्किल से लेके आए भूतों को। तो भूत आप कुछ कहेंगे? अब सुबह के व्लॉग में ये पहले हम लोग फोटोज यूं खिंचाते एक ये पोज तुम खिंचाती होगी, हम नहीं खिंचाते, हम जोया अप्पे को पोज बता रहे। जोया तो यूं खिंचाती थी, मतलब ऑलमोस्ट सभी ऐसे खिंचवाते थे, ये ऐसे था ही सेल्फी का। अभी भी कुछ लोग ऐसे खिंचाते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे खिंचाते हैं। एक आंख बड़े कर, अरे यार कम ऑन यार, अब वो एरा गया, अब ऐसे फेस टू फेस मतलब करना चाहिए। Yes. मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर किसी भी एंगल से आप मेरी फोटो ले सकते हैं, बस इधर से मत लीजिएगा। क्यों मेरा क्या? इस साइड का मुझे थोड़ा सा लगता है। मैं कह रही हूँ मुझे मोमोज खिला दो, तंदूरी मोमोज, तंदूरी मोमोज खिला दो, खिला रही हूँ क्योंकि अगर घर में ऑर्डर कर दो तंदूरी, मतलब बात ये है कि वहाँ इतनी ये ले जा करना निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो इस साइड रहती है ना गाड़ी, नो स्टार्टिंग में ही खड़ी करनी। हाँ, यस। वहाँ भी आमन देख खड़े हैं ठेले, किस चीज के ठेले खड़े हैं? आइसक्रीम के ठेले खड़े, पूरी लाइन से आइसक्रीम। सो गाइस ये है रेनेसेंस, यहाँ का सबसे बढ़िया होटल। आप गए हो कभी रेनेसेंस? कब गई हो मुझे बिना लिए? एनिवर्सरी पे गई थी। अच्छा हाँ, राइट। कैसा है? अच्छा है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है, क्योंकि हम 10:90 की तरफ नहीं मोड़ सकते शाम की तरफ, शाम के वक्त बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, और फिर ऐसा होता है ना कि गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है फिर वैसी जगह पे, तो देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है बढ़िया सा तो इन लोगों को खिलाते हैं फिर घर चलते हैं। गाइस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और अमन मेरे पीछे पड़ गई है कि मतलब क्या खाओगी क्या खाओगी क्या खाओगी। 10:90 पे तो मैं मुड़ी नहीं, 10:90 पे मुड़ी नहीं है, तो अब ये सोच रही है जोया को मतलब कुछ खिलाना तो है ही, मतलब तो लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरा ये मुझसे पूछो ना जो तुम खाओगी मैं वो खा लूंगी। अच्छा, लेकिन मुंह बनाऊंगी मैं कप में, कुछ भी बोलती है मैं मुंह बनाऊंगी, मैं क्यों मुंह बनाऊंगी। मेरा तो मोमोज खाने का था वहां जाके, बट वो फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद कुछ भी चलेगा, कुछ ये भी चलेगा, यू नॉट लाइक दैट, ये समझे ना तुम। देखते हैं क्या खिलाती है, लेट्स सी। तो अमन ने मुझे हमजा होटल का कबाब रोल खिलाया है, बहुत ही यमी था, और अभी हम लोग ने बिरयानी पैक करा ली है, वो हम लोग खाएंगे घर पे। अमन बोल रही थी क्लासिक चलो वहाँ पे डोसा और चाउमीन खाएंगे, लेकिन मेरा नहीं खाने का मन है डोसा, अब मेरा जी भर गया जैसे डोसे से, तो मेरा दिल नहीं था। मैंने फिर आइडिया दिया कि चलो कबाब पराठा खाते हैं। ये पिज़्ज़ा खा रही हैं अभी तक भी। पिज़्ज़ा चाहती है, ज़्यादा कबाब ना लगाओ उसमें। तो हम लोग पहुँच गए हैं अमन के घर, तो आ गए हैं हम लोग अमन। गाइस इन लोगों ने मुझे पागल कर दिया है, पूरा इसको शिमला बना के रखा है, फुल फैन ऑन करके, और ये देखिए एसी कितने पे चल रही है, और ये पूरी रात चलती रही है, और मेरे जिस्म का खून पूरा सूख गया है,
इतना पागल करा है अमन ने, अमन ने मुझे इतना पागल कर दिया है कि तुमने पूरी रात एसी चलाई है। क्या कह रही हो? क्यों एसी चलाई है? मेरे घर आओगी तो भी तुम्हें फुल एसी पंखा चाहिए। मैं आपके घर आई हूँ, मैं आपके घर आई हूँ फुल एसी, मतलब यहाँ मेरे हाथ पैर चलाई थी गाइस, इन्होंने पता क्या बोला, तो एसी काम अमन मैं हम लोग पतले लोग हैं यार, खून की कमी है हम लोग के अंदर, हम लोग को ठंड लगती है। हम लोग नहीं पतले हैं, हम लोग खाते पीते करके। बहुत ठंड लग रही थी मुझे बहुत ज्यादा। तुमने ये तो नहीं सोचा कि इसको कहीं हिल स्टेशन तो ले? आज मैं बहुत दिनों बाद मेकअप कर रही हूँ, मैंने मेकअप करना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे बेयर स्किन अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत कम करती हूँ, मतलब आज कर रही हूँ, तुम्हारे घर आई हूँ ना इस खुशी में। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। बस गाइस आज ये मेरा मेकअप सारा ख़त्म कर देगी। क्यों लगा रही है नाडो रानी? मेरा मेकअप क्यों लगा रही है तू? क्यों, तेरे बाप का माल है? जो लाडो रानी लगा नहीं सकती। माँ तेरे ही बाप का सही है, अगर मैं थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का कैसे होता? ये मार्स की पैलेट है, ये सच में बहुत अच्छी है। मैं अभी मंगाने वाली हूँ। दिखाओ खोल के। इसका कॉन्टोर और ब्लश बहुत प्यारा लग रहा है। कितने की है ये? 400-500 की है। ता तो मैंने ये कुर्ती वापस ले ली है इस क्योंकि मैंने ले लिया है। ठीक है, हाँ ले मेरे और से... मैं भी रेडी नहीं तुम्हारी चीजें हम कभी नहीं कर पाएंगे। बस बस। सो गाइस बहुत लेट में हम लोग निकले हैं, हम लोग को निकलना था 2 बजे बट बज गया है 5, करेक्ट 5 बजा है। और ये सब सिर्फ अमन की वजह से हुआ है। वेरी लेट लतीफ, मतलब कि इतना सोच हो के काम करना धीरे धीरे, बताओ कुछ बोलोगी? और अभी तक भी हम लोग का डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ ले चल रहे हो आप बोलो। तो अभी हम लोग का कुछ भी डिसाइड नहीं है, आवाज़ लग रही है। अभी हम लोग का कुछ भी डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है, और जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ने वाली है क्योंकि पापा ने ये कह के भेजा था कि फिज़ा को कहीं घुमा देना, और मैं कहीं भी नहीं घुमा पाई हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ मिली हैं, कहीं पापा भी नहीं घुमा सकते क्योंकि पापा बहुत बिजी हैं, मम्मी हमारे बिना कहीं निकलती नहीं है ना, पापा के बिना निकलती हैं, तो मम्मी ने कहा तुम्हें घुमा देना, तो भी मेरे पास। और इन्होंने पूरा टाइम वेस्ट कर, प्लासियो चले फिजा तो मैं गेम वेम खिलवा दें चल के। हाँ जो है गेम वेम खिलवाना है क्या इनको? मेरे बारे में कौन? छोटी बच्ची हो क्या? मेरे बारे में उनको गेम खिलवा दिया जाए। तुम भी खेल लेना। तुम भी खेल लेना गेम। हम क्यों गेम खेलेंगे? खेलते हैं वहाँ पे सब आके। प्लासियो चलो, प्लासियो फिर। पता नहीं मॉल वॉल जाने का अब दिल नहीं करता है, बहुत ही बुरा लगता है मॉल जाने। मेरा भी। अब लूलू जाएगा, लूलू मॉल खुलेगा तो एक्सप्लोर करेंगे उसे। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में? पता है लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल खुल रहा है, लूलू सुपर मॉल। सुपर मॉल लूलू 5 और 5 जुलाई को खुल रहा है, तो शायद हम लोग जाए। सनलाइट। चलिए हम लोग अभी डिसाइड कर ले, मतलब कि बोल रही हूँ प्लासियो चलने, जहाँ भी पहुँचेंगे आप लोग बने, जहाँ भी जाए पहुँचेंगे आप लोग बने रहिएगा। वन किस इज ऑल इट, अमन वाला तुमने देखा है, बूढ़ा बूढ़े एक अंकल है, वन किस इज ऑल इट टेक्स, फॉल इन लव विद मी, पॉसिबिलिटीज। गर्मी हो रही है, पूरे बाल बदन में ऑयली ऑयली हो गए हैं बाद में। अम्बेडकर पार्क, और यहाँ मतलब कि आप
तभी आइएगा अगर आपके अंदर बहुत स्टैमिना है और आप बहुत चल सकते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ चलना चलना होता है और बस, है ना। हाथी आपको हाथी मिलेंगे क्योंकि ये मायावती जी ने बनवाया था। तो यही यार एक बात है, मायावती ने काम बहुत बढ़िया किया, पूरा शहर बदल दिया, ये बात तो है। स्टार्टिंग तो उन्होंने की थी। हाँ अच्छा। गोमती नगर को गोमती नगर बना दिया। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इंजॉयमेंट होगा, बस चलो देखो। जनेश्वर मिश पार्क भी है, जो लोग फर्स्ट टाइम आएंगे उन्हें तो चलो जनेश्वर मिश पार्क। नहीं, एक बार पार्क में बिठा देना पिज्जा को। एंड दिस इज इकाना स्टेडियम। अभी तक गए नहीं है पर शाहनवाज ने ये बोला है कि जब भी यहाँ पर मैच होगा हम लोग जरूर जाएंगे। यहाँ मैच हो चुका है शायद, अभी फिर से होगा ना। ओके, जब हुआ होगा तब शादी नहीं हुई होगी ना डफर। अरे भैया हो गई थी शादी के बाद, कोविड में हुआ है क्या हमें नहीं पता, आप लोग बताइएगा यहाँ पे मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नहीं कंफर्म। सोया नीचे से उतरना था अपन लोगों को। वाओ, एंड प्लासियो अब कैसे जाओगी, कोई उतरने का था ही नहीं तो कैसे उतरती। ये आपको जो प्लासियो है हमारा वो आपको प्लासियो, ये आपको दुबई फील्स देगा। देखिए आप लोग को ऐसा लगेगा कि दुबई में आ गए। जमा जम। ये जो हाईवे है ना शहीद पथ, ये इतना डेंजरस हाईवे है, इतना डेंजरस हाईवे है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बस डेंजरस है बहुत ज्यादा। बिकॉज दिस इज शहीद पथ, लोग शहीद। अमन चुप रहो, आप सीधे गाड़ी चलाइए, मैं रख रही हूँ, आप लोग से सीधे वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ओके बाय। सो गाइस स्पेशली हम लोग आए हैं आज यहाँ पर फिनिक्स पलासियो फिज़ा के लिए किड जोन में। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, यहाँ पर 1000, 2000, 3000 से आप यहाँ पर आपको कार्ड मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे गेम खेल सकते हो। इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में कि यहाँ पर कितने रुपए के कौन कौन से गेम्स होते हैं, कितना रुपए का हम लोग ने रिचार्ज करवाया था, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी वो भी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।